पर शादी के बाद बोनी और खुशी तो वापस भारत लौट आए, लेकिन श्रीदेवी नहीं लौटी। आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था कि श्रीदेवी उनके साथ वापस भारत नहीं लौटी और वहाँ उनकी अचानक मौत हो गई। यहाँ तक तो सब यकीन किया जा सकता था, पर इसके आगे कुछ ऐसा हुआ कि यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हुआ यूं कि श्रीदेवी की मौत से कुछ समय पहले बोनी कपूर मुंबई से वापस दुबई पहुंच गए और उनका इस पर बहुत ही अजीब सा जवाब है। उनका कहना है कि वे श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर देना चाहते थे और इसीलिए वे बिना बताए दुबई लौटे। और तो और, जब श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं निकली और अंदर बेहोश मिली तो बोनी कपूर ने सबसे पहले हॉस्पिटल, होटल, पुलिस या किसी फैमिली मेंबर को फोन करने की बजाय अपने किसी दोस्त को फोन किया था। यह भी काफी अजीब रहा। अब यह बात हजम होना बहुत ही मुश्किल हो रही है। यूएई की डॉक्टर्स ने अपनी ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार कर ली है और वहां की पुलिस को सौंप दी है। अब देखने लायक होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। धन्यवाद।